रात कंबल नहीं उड़ता, और अभी मैं सब्जी बनाने गई तो बोला मम्मा कंबल उड़ा जाओ मैं तो सोऊंगा, मतलब छुट्टी वाले दिन ये उठ जाता है, और आज यदि स्कूल जाना है तो उठ नहीं रहा, अपने आप सो गया देवांश और कंबल ओढ़ के, वरना ये कंबल ओढ़ के सो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। उठ जा बेटा दे स्कूल जाना है, उठिए लड्डू। फिर मैं इसको उठाती हूँ, पहले उठाया था और देखो पूरा कंबल में पैक होके लेट गया। उठ जाना बेटा, कह रहा है नहीं मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। उठिए लड्डू उठिए, नहीं क्या उठ जा उठ जा उठ जा, उठिए सोनी मैं बेटी है ना, कहा लिपटा हुआ है पता भी नहीं चल रहा, कहाँ से निकालू तेरे को मैं, देख कैसे। और वैसे मुंह हंस रहा है, देवांश हो गया रेडी, ये पहने इसने माचने ने, नीचे भाग गया वंश, ये मैम के लिए लेके जा रहा है। कौन सी वाली को? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और कैसे आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। मैं सुबह सुबह हो गई लंच रेडी, लंच किया स्कूल, और टाइम भी सवाल नहीं है, मैं स्कूल जाते ही मैं फटाफट नहाने के रेडी हुई। पापा का फ़ोन आ गया था कि मेले में चलेंगे घूमने, तो मैं और देवांश जाएंगे, तो मैंने देवांश को स्कूल भेज दिया, हम अभी जाते भेजेंगे तो निकलेंगे, रास्ते में मिल जाएंगे, मैं और देवांश जाएंगे उनके साथ। ये क्या कैम काम कर रहे हैं, उनके लैपटॉप को पता नहीं क्या हो गया, अभी स्क्रीन गई ब्लर, ये परेशान हो रहे हैं, कैसे देखते हैं बस अभी निकलेंगे 5-10 मिनट में, पापा निकल में जब फ़ोन कर देंगे, पापा ऑन नहीं बन रहे हैं, और यहाँ से मैं उनके घूम जाएंगे, हम जा रहे हैं इस सब कुछ दादा को देखा मेला लगता है वहाँ पर। हाँ तो जल्दी छुट्टी हो गई, जल्दी लंच खा के आते हैं, ये कह रहा है मेरे को अभी खाना भी नहीं खाने दिया, तुम जल्दी आ गए, मेरे को पढ़ाई भी नहीं करने दी, बहुत जल्दी आ गए और सारे कपड़े गंदे कर लिए, और तो मैं उसकी दूसरी चेंज कर देना, हाँ मैं लेके आई आपकी दूसरी ड्रेस कर दूंगी चेंज, ठीक है। चुन्नी भी, चुन्ना भी। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उसको मत छेड़ो। पॉकेट वाली है, ओ पॉकेट वाली, पॉकेट भी ली ठीक है, मैंने गाड़ी में बैठ के कर रहा है बहुत कलर से, घर पे तो पटका नहीं है, गाड़ी में बैठ के पढ़ के दिखा रहा है, बस हम पूछने वाले हैं कॉपी वो
मत कर खराब। वो बेटा देखो कितना जाम लग गया इधर। के बस वो सुनना भगा दी गई। जाम लग गया यहाँ पे तो। बस वाला हम सबसे बड़े दादा के घर पे। दादा पांच भाई हैं, मतलब पापा के पांच मामा हैं, तो ये सबसे बड़े वाले मामा के घर पे आए हैं। अब हम खा रहे हैं खाना, पूरी और पनीर की सब्जी बना रखी है। ये बुआ और चाचे बना रहे खाना। हाँ गद्दे पे आ जा, इधर आ जा, सिर फूट गया ना। खेल ले खेल ले, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। और ये है इनका घर है। मानी के घर पे इसने कर लिया कपड़े चेंज। ये है विजय चाचा का घर। अभी हम यहाँ आए हैं इनके घर पे, सबके घर पे घूम के जाएंगे आज। नानू गए उस वाले घर में, और हम जा रहे हैं उधर दूसरे वाले घर में। यहाँ पापा के मामा और उनके भी बच्चे यहाँ रहते हैं, तो यहाँ ये इधर रहते हैं। हाँ इसमें मुरिया ले ले ले, पूरी पन्नी ले ले, कपड़े वपड़े गंदे कर जाता है। अब दूसरे वाले जा रहे हैं दूसरे वाले घर में, तो चलते हैं पैदल चलेंगे। इधर रहते हैं पापा का एक मामा और उनके दो लड़के, सारी बुआ आई हुई है। आपने देख लिया सारे बच्चे जा रहे थे, पिंकू ने वापस बुला लिया कि ये भी जा रहे हैं। तो अब हम सारे चलते हैं मेले में, दो ये रे और आगे। हम आ गए वहां से मेले में। दही रहा पोपू, यहीं से ले 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 ले। ये पोपू कितने का है? 20 का, 30 का। आ जा किसे दिलाऊंगी, आ जा। क्या चाहिए बेटा? तो काला का सामान है, तो काला का सामान है, आपका नहीं है। रख दे चल पहले, नानू पास चलेंगे। रख इसको, नानू पास चलेंगे, रख दे पहले। छोटे हैं पे कितनी सारी चीजें घर पे, ये उनकी शॉप है, दुकान है नानू की। उनका लड़का है, देख जल्दी आ। दादा बैठे हैं और पापा, फिर हम ऊपर आ गए क्योंकि वो नीचे बैठे थे। ये दादी और ये वर्षा, ये इनकी लड़की है। बोली आते ही लगी वीडियो में, फिर तो नाचने लगे। यहाँ ढोल वगैरह बज रहा है। पापड़ खाए, पापड़ खाएगा जा ले आते जा। और इसको पापड़ चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा मेला लगा है। बाद में दिखाऊंगी। बना दिया हमारे लिए खाना, मना कर रहे थे हम क्योंकि वहाँ खा के आए थे, तो दादी बोले नहीं खा लो। दादी ने बना रखे पूरी, आलू की सब्जी और हलवा। और देवांश गया नीचे नानू पापा के पास, नानू पापा ये निकल गया। ये है आलू की सब्जी, हलवा, पूरी। नीला मोर में खा रहे हैं, है लस्सी, और खाते हैं खाना। फिर देवांश को जुला के लेके आएंगे मेले का। अब हम आ रहे हैं मेले में घूमने, आपको पूरा मेला यहाँ से स्टार्ट है पूरा मेला। क्या हो गया, क्या चाहिए? क्या फोन भाई के लिए? बाद में लेंगे, पहले आते वक्त ले। कितने का भैया ये? कितने का है? 60 का। और ये वाला? और अब देवांश आ गया यहाँ।
क्या क्या लेना है? क्या करेगा इसका? और अब वो ब्लैक वाली गाड़ी मांग रहा है कुमार। दिलाएंगे दिलाएंगे, रुक जा। और ये दिलाई है नीलम ने इसको गाड़ी, दिखा वाली। चूल्हा चूल्हे यहाँ पे चूल्हे लगे हुए हैं बहुत सारे। इधर भी है, ये भी अब देवांश वाली में बैठ रहा है। चलो कौन सा बीस वाले पे ना, चलो आगे आप मिक्की माउस वाले में। कोई नहीं, चलो चलो जाओ, आप पैर रख रख के भागो जल्दी जल्दी भागो। हाँ चलो चलो गो देवांश, कुछ नहीं होता गो, मैंने पहले ही बोला था ना। उठ के जब हाँ तो हिला है, ऐसे ही तो होता है बेटा। खड़े हो आप, खड़े हो जल्दी जल्दी उठो, स्टैंड अप। हाँ उठो उठो, फ्री ये। करो 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 ना, अकेला ना बैठा जावे देवान, जब पकड़ के बैठा था मंदिर में। दो घर ये इधर एक उधर था, और अब इधर से जाएंगे घर में दादा का, पापा के पास जाएंगे। चलते हैं, आ गए हम अभी घर, 7 बज गए। बहुत थक गए क्योंकि मेले के चक्कर काट काट के, गर्मी बहुत थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने ज़्यादा शूट नहीं, ये क्या हो रहा है, ज़्यादा शूट भी नहीं किया। और मैं देख रही थी दोनों के लिए ये ट्रक ऐसे खुलने वाला है, एक मैं ये लेके आई थी। और
नीलम ने दिलाया इसको और एक पापा ने अपनी तरफ से, और पापा के दोस्त आए हुए थे वो दिवांश उनके साथ चला गया था तो वो दिला के लेके आया। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी दिवांश आवाज लगा रहे, पहले उससे पूछ लो क्या कह रहा है। और ये दिलाए पापा ने, पापा ने दिए थे इनके पैसे इसको, और ये दिलाए थे पापा के दोस्त था उन्होंने, ये मैंने दिलाया था। फिर नीलम दोबारा घूमने गई थी तो ये भी चला गया, फिर ये लेके आया, और एक ये फैन, ये तो मेरे साथ ही लेके आया था नहीं माना, तो ये दिला के लाई थी, रुको बेटा, और ये वर्षा दिला के लेके आई थी इसको, ये उसके साथ गया था तो उसके जिसके साथ भी गया उसके साथ भी लेके आया। और ये इसके स्मोक वाले रिमोट कंट्रोल कार, ये दिलाई है इसको नीलम ने, मैंने तो बस इनको ये दिलाए दोनों के सेम, और ये सब ने इसको जो जो थे वहाँ पे उन्होंने दिलाए। के मेले में रौनक आज लगा दो, इस साबर के मेले में थम रौनक आज लगा दो।